थ्री सोल कॉन्ट्रैक्ट इस अर्थ पर आने से पहले आप करके आते हैं। इस अर्थ पर आने के बाद जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो कोई अच्छा इंसिडेंट हो या कुछ बुरा, यहाँ कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता। अगर आप खुशियों भरी लाइफ जीते हैं तो इसके पीछे आपके गुड कार्मा, और वहीं किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स या परेशानी रहती है तो उस पर्सन के द्वारा किए गए नेगेटिव कार्मा का इफेक्ट होता है। हम सभी इस दुनिया में आने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, और यहाँ आकर जो हमारे साथ होता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। आज के वीडियो में जानेंगे वो तीन कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम इस अर्थ पर आने से पहले करके आते हैं। मैं रूपाली, आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सोल कॉन्ट्रैक्ट, हम कौन से फैमिली में जन्म लेंगे, कौन पेरेंट्स होंगे, एक्सटेंडेड फैमिली कौन होगी, ये है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को खुद ही चुनते हैं ताकि हम अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर कर सकें। अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइल्डहुड डेज से लेकर एडोलेसेंट डेज तक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा या थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ही आपने देखा हो, तो इसका मतलब है आपका कार्मिक बैगेजेस बहुत कम रहा होगा। वहीं अगर किसी का जन्म ऐसे फैमिली में हुआ जहां आए दिन प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, पॉवर्टी लगी रहती है, पेरेंट्स टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि उस पर्सन का कार्मिक बैगेजेस उस फैमिली मेंबर से के साथ अधिक रहा है। उस फैमिली मेंबर के साथ कार्मिक बैगेजेस नेगेटिव था, जो क्लियर करने वो इंसान इस अर्थ पर आए हुए होते हैं। फर्स्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, यहाँ तक कि किड्स, यस आपने बिल्कुल सही सुना, स्पाउस और किड्स के साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी के इन लॉस से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनके साथ हार्मोनियस रिलेशन जितना भी बनाना चाहे नहीं बन पाता, किसी के फ्रेंड्स ही उन्हें धोखा दे जाते हैं, ये भी देखा जाता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि किसी के स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, लाभ चाहते हुए भी, उनकी लाख कोशिश के बाद भी उनका दिल नहीं जीत पाते। किसी के सिबलिंग्स या कजिन्स लाइफ में दुख का कारण बनते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे की वजह से लाइफ में परेशानी बढ़ गई। डिसेबल किड्स हो या बच्चे आगे बड़े होने के बाद माँ पापा का बात नहीं माने, या डिसोबीडियंट, या इतना भी ओल्ड एज होम तक का सफ़र उस बच्चे की वजह से माँ पापा को वो भी दिन देखना पड़ा, ये क्या है? ये है कार्मिक अकाउंट बैलेंस होता है ऐसे। अब जानते हैं सेकेंड टाइप के सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सेकेंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ आकर लेसन लर्न करना और ह्यूमन बॉडी में रहकर एक्सपीरियंस गेन करना होता है। आपके सोल को पता होता है कि क्या चैलेंजेस आएंगे और कैसे डील करना है, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस करेंगे और उससे आपके सोल को क्या बेनिफिट होगा। ये सब हम पहले फिक्स करके तब अर्थ पर आते हैं। यू कैनॉट कम टू द अर्थ विदाउट हैविंग दिस एग्रीमेंट। तो हम यहाँ पे आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि हाँ, हमें क्या लेसन सीखने को मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस हमें करना होगा, क्या कुछ हमें लाइफ सिखाएगी, क्या कुछ हमारी सोल इवॉल्वमेंट इवोल्यूशन के लिए, सोल के हाई वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है, क्या कुछ हमें दिन देखना पड़ेगा। ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट करके ही, एग्रीमेंट के साथ ही हम इस दुनिया में आते हैं। ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड सोल एग्रीमेंट,
क्या है? थर्ड सोल एग्रीमेंट इज टू हील कार्मा। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ बिना किसी ऑथेंटिक रीजन के बुरा होता है, माने वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका किसी से कोई राइवलरी नहीं, कुछ नहीं, इवन देन दे आर सफरिंग। क्यों क्यों सफर करना पड़ता है ऐसे लोगों को? बहुत से आपके फैमिली में आसपास ऐसे जरूर आपने देखा होगा कि दे आर थोरो जेंटलमैन या जेंटल लेडी, लेकिन मतलब उनकी एज 25, 50, 70, लेकिन सफरिंग्स उनके लाइफ में, पेन उनके लाइफ में खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा हाजिर है और उन्हें सफर करना रहता पड़ता है विदाउट एनी रीजन। इस लाइफ में उन लोगों ने सच में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। इस लाइफ में उन लोगों ने पॉजिटिव कार्मा किए हैं, ये भी सच है, क्योंकि वो दिखता भी है कि हाँ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कोई बुरा नहीं कह सकता। बट व्हाट अबाउट आवर पास्ट लाइफ्स? वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बुरा काम करते हैं, जितना भी बुरा काम कर ले, दे आर लिविंग लाइफ हैप्पीली, जॉयफुली, है ना? देखने से लगेगा जैसे दे आर लीडिंग लाइफ विदाउट पेइंग फॉर देयर एक्शंस। इन दोनों ही केसेस में पास्ट लाइफ कार्मा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इस लाइफ में पे बैक करना होता है। इसलिए जो लोग इस लाइफ में बिना किसी का बुरा किए भी सुखी जीवन नहीं जी रहे हैं, उनका पास्ट लाइफ कार्मा नेगेटिव रहा होगा। और वो बुरे लोग जो अच्छी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई कितना लोगों का बुरा करते हैं, कितने लोगों को नुकसान किया उन लोगों ने, लेकिन देखिए कितने अच्छे मज़े से जी रहे हैं, तो ये रिजल्ट है उनका पास्ट लाइफ में बहुत ही गुड कार्मा उन्होंने किए होते हैं, जो इस लाइफ में पे बैक होता है। इसलिए कहते हैं ना, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर जाते हैं, जिनका हिसाब हमें देने पड़ते हैं। You are surely going to pay for what you did in your previous life. तो ये थ्री कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, हम इस दुनिया में आने से पहले ईश्वर के सामने, डिवाइन प्रेजेंस में हम करके आते हैं। उस सोल से भी जो हमें नीचे, आई मीन इस अर्थ पर आके मिलेंगे, चाहे वो हमारी जिंदगी में आँख खुलते ही, एक बच्चा जैसे आँख खुलते ही माँ पापा से मिलता है, या भाई बहन, या 20, 25, 30 साल के बाद जैसे ही स्पाउस के रूप में, या बच्चे, या इन लॉज, ये सभी कुछ प्री डेस्टिन, प्री डिसाइडेड होता है। तो ये थ्री सोल कॉन्ट्रैक्ट हम सभी, आप सभी इस दुनिया में आने से पहले करके आते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, कुछ करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, या पर्सनल कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, ईश्वर ना करे, उस रिलेटेड अगर कुछ सोल्यूशन या गाइडेंस आपको चाहिए, तो मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, प्लीज कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन फ्री नहीं होता है, वो पेड होगा। इसी बात का ध्यान रख के ही आप मैसेज कर सकते हैं। और बहुत बहुत आप सबको ब्लेसिंग्स के साथ, ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।